सबला हां गोटे चेक गला एबे सेकंड चेक पाड़ी त बापा बुंगर त बनेवानी दे देले केबे माने बनेबा तमरो पोच तरकारी ओके सो मोर आपण माने फर्स्ट पार्ट देखी सारथिबे सेथिरे हमर बाबू को बिषय बडे बहुत बडा सीक्रेट भी जणा पडला आ तार सहित बापा बुंग को पई केमती क्विक उपाय रे परटा बना हला छेना परटा और ता से तो संबर क्विक उपाय रे केमती बना हला तो से सब प्रोसेस हमें पार्ट 1 ने कवर करथिले आ ता से तो गोटे इंटरेस्टिंग स्टोरी भी थिला होपफुली आपण माने से वीडियो को एंजॉय करथिबे त अबे नेक्स्ट पार्ट रे आमे देखेबा हमर आम डिनर पई कोन प्लान हिची मोर इच्छा हो टिके राइस खायो म जानि छली सेते पई म ऑलरेडी राइस ताको रेडी कर सारची आ राइस ठीक है राइस त नै प्रिंस को पुनी जीरा राइस तरकार त से में जीरा राइस ही कर दो छी कैसे ठीक है जीरा राइस और अंडा पोच तरकार ठीक है छी चलो स्टार्ट करबा चलो तुम्हारा पोच तरकारी पे मते जति के मन अछि मु सही हिसाब रे मसाला रेडी कर छी प्याज छोट छोट के काटी छी लंबा लंबा करी प्याज कटी त बाटीवा पई प्याज रसुन अदा आ सुखिला लंका जीरा इतिक तो बाटो चार पांचटा गोलमरीच दे दिस गोलमरीच आ एक्स्ट्रा दरकार आलू टा भाजी बना सेंती आलू टा को हमें तेल रे फ्राई कर दबा सिजिला बढ़िया पूरा आ टिके मसाला से फ्राई हला पर तब कोच पकेबा ठीक अछि आपण माने देखिबे कोच तरकारी केमती बनु छी आ होपफुली आपन को बहुत भल लागियो वीडियो के आ जदि भल लागिला वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे आ आपन के संग मन को सते शेयर करिवे इंती नवा नवा रेसिपीज से माने भी देखि पारिवे और सीखि पारिवे होपफुली वीडियो टी बहुत मजेदार रहइबो त चलन त आगु को देखिबा कोन होउ छ तमे मसाला बाटो मारु भाजु छ हां आपण आलू को एठी फ्राई करि पारिवे नहले जदि आपण हड़बड़ रे अछंती तले आलू को सिटी मार देबे दुईटा वर्कआउट करिवो कोनसी प्रॉब्लम नै त मो एठी भाजी दोचे आलूटा बेसी तेल दबा नहीं टिके तेल दबा आलू भाजी ला बढ़िया तेल गरम ही जीवो तेल गरम ही रही आलू एबे प्रेशर तो गरम ही गलानी तो जीरा राइस पे मुझे ठी तीन चामच घी नहीं जा जीरा राइस घी भल तीन चामच मान ये घी तो बहुत लोग कौन करती से बहुत अधिक घी यूज करती जीरा राइस एक्चुअली जीरा राइस को घी झुरा झुरा करें ताको झुरा झुरा करो जिनसा अच्छे जो सिक्रेट से आज बतेबी जो थे आप जीरा राइस पूरा परफेक्ट आ झुरा झुरा भी बनब जे बिल्कुल भी इवन आप कुकर बनैले भी सेटा बिल्कुल भी मेंचा हबन तो आम घी पकईदे जीरा टिके फुटेबा घी आमर परफेक्ट गरम हो गला आम पकेबा एथिरे जीरा तो गोटे चामच फुल करके जीरा दबा आपण तेल रे भी चाहिले कि जीरा राइस बनै परिबे सेमती नै कि घी रे ही बनेबार अछि किंतु घी रो बासनाटा बहुत भल आसे बुझि सेथिरे घी पकेबा कथा एबे चावल मु पकोच आबे तसे टिके आमे चावल टिके पानी रह जायतिला ना त सेथि पई धोई जाई छै जेसो तसे टिके आमे एंती फ्राई कला भया कर दबा देखो ये छोट ग्लास रे मु दि ग्लास नहीं थी चाउल तो से मु चार ग्लास पानी एथरे नेबी जेत्ती के आपण चाउल नौछती ता डबल क्वांटिटी रा पानी नेबे सब बळे ये प्रेशर कुकर राइस खाइबार हमर पुराना अभ्यास जेते हम सब बैचलर थिलु केबे भी चावल माने गळा हुए नै राइस सब बेले प्रेशर कुकर रे डबल पानी प्रेशर कुकर मार दियो संगे संगे हे जीवला मु ए प्रेशर कुकर ट्रिक्स ता तमो ठो आगे सिखि थिलि फर्स्ट जेते हम आसला परे तमे सब बेले एंती ही रोसे को नथिया कि सब बेले कोन करियो सिटी मारी भात बनाउथिला
ତାପରେ ତ ବୋଉ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଗାଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ମୁଁ ତ ଗାଳିବା ବି ଶିଖିନଥିଲି ନା ଭାତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଛି, ତ ପାଣିଟା ଟିକେ ବଏଲ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଉଛି ଲୁଣ। ରାଇସ୍ରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଲୋକ ଲୁଣର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଏଠି ଲୁଣ ଦେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିରା ରାଇସ୍କୁ ଝୁରା ଝୁରା କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ପକାଉଛି ଏବେ। ସେଇଟା ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ, ଯେଉଁଟା ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ପକାଇକିରି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପଲଉ କରନ୍ତୁ କି କେବେ ବି ଜିରା ରାଇସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ପକାଇକିରି କରିବେ ନା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି କି ମେଞ୍ଚା ହେବନି। ଆଉ ଏଇଟା କାହିଁକି ଦିମାଗକୁ ଆସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲେମ୍ବୁଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟିକିନେସ୍ ହଟାଏ ସବୁବେଳେ। ତ ଲେମ୍ବୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ଷ୍ଟିକି ହେଉଥିବ ତ ସେ ଜାଗାରେ ପକାଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିକି ଷ୍ଟିକି ହେବନି। ତ ମୁଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଶାଗୁ ଯେତେବେଳେ କରେ ଉପମା, ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଲେମ୍ବୁ ବୁଲେଇ ଦିଏ ଉପରେ, ଝୁରା ଝୁରା ଏକଦମ ଶାଗ ଉପମା ହୁଏ। ତ ଏସବୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ମଣିଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଶିଖେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଲଗାଇଦେବା ସିଟି ଏବେ, ଆଉ ତାପରେ ଜିରା ରାଇସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ହେଇଯିବ। ହଁ, ଏଇଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ପୁରା ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ବିନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି, ଶୁଣ ଅଣ୍ଡା ବିଷୟରେ। ଅଣ୍ଡା ସହିତ ମୋର ଭାରି ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ, ନନଭେଜ ମୁଁ ତ ମୋତେ ଡେଲି ନନଭେଜ ଦରକାର। ମନ୍ଡେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବେଶୀ ସମୟରେ ଡେଲି ନନଭେଜ, ତ ଯୋଉଦିନ କିଛି ନ ମିଳିବ ଅଣ୍ଡା, ତ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସଟା କଲେଜ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ସେ ତାୱା ଫ୍ରାଏଟା ମୁଁ ଦିନେ ପୁଣି ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି, କିଛି ପଡ଼ିବନି ସେଥିରେ, ଖାଲି ଟମାଟୋ ଟିକେ, ପିଆଜ ଟିକେ, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପଡ଼ିକିରି ବହୁତ ଭଲ ବନେଇଛି। ଅଣ୍ଡାକୁ ଫାଳ ଫାଳ କରିକିରି ତାୱାରେ ଫ୍ରାଏ କରିକିରି 5 ଟଙ୍କାରେ 2 ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଥିଲା। ତ ଯେମିତି 8:30 ହବ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଚାଲିଲି ଅଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ, 2 ଅଣ୍ଡା। ଆମେ ବାହାର କରିଦବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦବା, ତାପରେ ତାକୁ ରଖିଦବା, ପୁରା ହ୍ୱିସିଲ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଦବା, ତାପରେ ଦେଖିବେ କେତେ ବଢିଆ ଝୁରା ଝୁରା ହେଇଥିବ। ହଁ, ତମ ପୋଚ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ମୁଁ ମସଲାଟା ବାଟିଦିଏ ତାହେଲେ। ମୁଁ ଏପଟେ ପୋଚ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଏଠି କାମରେ ଆସିବ। ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିବେ ଯେମିତିକି ୟେଲୋଟା ଭାଙ୍ଗିବନି, ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ, ଆ ଉପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ, ସେ ୟେଲୋଟା ପୁରା ସେମିତି ରହିବାର ଅଛି। ସେଟା ସିଝଉଛ କି ନାହିଁ ୟେଲୋଟାକୁ? ହଁ, ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବି ମୁଁ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ନହେଲେ ଖାଇ ହେବନି। ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେବି ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି, ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଟିପିକାଲ ପୋଜ ନା, ଯେଉଁ ହାଫ୍ ବଏଲ କହନ୍ତି ତାକୁ, ଏଇଟା ହାଫ୍ ବଏଲ ଏମିତି ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି ଏକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି ବନେଇବାନି, ଆମେ ଆକୁ ଧୀରେକିନା ଓଲଟେଇ ଦେବି। ଛାଡ଼, ସେସବୁ ତୁମର ଏକ୍ସପର୍ଟ ମ୍ୟାଟର, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ହାତ ବି ଦେଇପାରେ। ଦେଖ ରହିଲା ଏଇଠି, ଦେଖ ୟେଲୋଟା ରହିଲା ପୁରା, କଡ଼େଇ ଟିକେ ବେଶୀ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବେଶୀ ତ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା, ତ କିଛି ହେଇନି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ହେଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ ପୋଚ ବନେଇଦବା ଆଉ ରଖିବା, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆଉ ଥରେ ବି କହୁଛି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ କାମରେ ଆସିବ।
देखंतु जे येलोटा बिल्कुल भी भांगी वाले भांगी गले सल्ला ना भांगी गले त ऑमलेट बनि देला पोच कोठी हला टिके लंका गुंड टिके लूण ओके देबे जीरा फुटी गले दुटा तेजपत्र कटाई गोटे पिज मुझे रखी पिज पिजटा नाली पर्यंत गोल्डन ब्राउन करवा तापर मसला देवा देखते पिजटा प्राय हो गला आम जो मसला बाटिक रखी थे देदे मसला टे पा दे हलदी अदा चमच देदे आम ग्रेवी करवा तो लुण गोटे चमच देवा लुण ग्रेवी हिसाब से लुण अलरेडी ग्रेवी हिसाब से करवा कहीं आम लुण देचे अलरेडी आम पोचे मसलाटा तेल छाड़ला कौन तो कसिव भल लगे लंका गुंड तो मुझे चमच देढ़ चमच दे टमाटो को लंबा लंबा कर काटिकदे टमाटो से फ्राए हो देखु मसला तेल छाड़दे पूरापूरी मिनिट के मीट मसला आए गरम मसला देदेल हाफ चामच दे दि गरम मसला मीट मसला देवा परे ना देखिए बेस समय कषिबे धनिया पत्र काट थंडा पानी देवे आम जल्दी हम बोल गरम पानी दे ना झोल दि कहीं झोल रे सब जाक पड़ो आम मसला कसा एत जोर बासिले लोक कहर मसला पानी दिए पानी गुड़ा सब पोच पी फुटी गला परे हमें पोच गुड़ा पकेबा ताको भी पकेबा फाइव मिनट्स में देखंतु कोबळे भाबरे झुरा झरा आइछि पूरा जीरा राइस हमर ताको केबे बड़ डंकी वगैरह रे घुरे गोळे बेनी त से संग संग मेंचा हो जाए ना बेसी तो आपको ये भाव में चामच रे काढ़ सर्व कर देखे झोलटा पूरा फुटी गला इतने धीरे धीरे कर सब छाड़देव गोटे गोटे करदे भर को पल
ये पूरा फूल भाया दिशे तरकारी स्लो फ्लेम रे फुटे बा स्लो फ्लेम रे 5 मिनट फुटे धनिया पत्र गुड़ा ऊपर पकई दियो तापरे फुटिला रो 5 मिनट पर ना ताको हम टिके रेस्ट कर दबा बाप रे की कलर आछी म जबरदस्त कलर पूरा मते को हाथ मारिया भी डर लागो ताकू बाड़ी बारे भी ट्रिक अछि ना पूरा पूरी जति भलो कि न फाटलो भांगी जीव सब हां तुम्हें गोटे परफेक्टली बाड़ी दियो मो थाली बाड़ीया पई प्रॉपर्ली एमती फ्लैट किछ नेबे जतरे बाड़ीया पई त आराम से बहुत प्यार से हां मांगी जीव न हले मुआ जी बों को कहि थिली कि बो मुआ हो आज खाइबिनी एबे कह एबे कह खाइबो कि नै से मते सेया कहि थिले परे पहिले से बनि सारु खाली तपर तू खाइबो कि नै मु देखिबे हम एक संग बसबा त दु जण ओ एटा एडी इधरे हम बस पड़बे हला हां हम उठे अधिकाय रे रखि देबो खाली खाइबि प्रस्तुत है गला हम पोच तरकारी केते सुंदर से पोच बनी की तरकारी बना है छी आ बहुत डेलिकेट आ को आराम से बाढ़ीबे आ बहुत सुंदर भाबरे सर्व करिवे बढ़िया पोच तरकारी तासे तो जीरा राइस आ सलाद हम कंप्लीट थारे डिनर थाली आ एटा गोटे इजी थाली भी आपन मानक पई बनिवो तासे तो लंच रे भी चाहिले जो माने एक दो बहुत पसंद करती से एभड़ा पोच थाली बनी की खाई परबा आशा अपन मान को रेसिपी खूब भल लागतिबो भल लागले निश्चय कमेंट करके जणईबे आ अपन मान को वैल्यूएबल फीडबैक हम पाई बहुत इंपोर्टेंट निश्चय जणईबे तासे तो चैनल को सब्सक्राइब करिवे वीडियो को लाइक करिवे आ आज पाई विदाई नउछु नमस्कार।